Hello students, good morning to all. Today I am going to explain division angiospermy. Students, previously I have explained division thallophyta, bryophyta, pteridophyta and gymnospermy. Now in this module we will talk about the angiospermy. Let's start this topic, division angiosperm. Student, what is the meaning of the division angiospermy? The word angiospermy derived from two Greek words, angion and sperma. Angion means basal or in case, sperma means seed. It means that कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स किसी बेसल लाइक या केस लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड हों, या यू कैन से दैट जो सीड्स जिन प्लांट के सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स या किसी केस के अंदर बंद होते हैं वो नेक नहीं होते हैं, वो किसी फ्रूट या केस में बंद हों, तो ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है. या यू कैन से दैट आर डिवीजन इन विच फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड इंक्लोज इन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड डिवीजन एंजियोस्पर्मी. एक ऐसा डिवीजन जिसमें फ्लावरिंग प्लांट या जिनके सीड फ्रूट के अंदर बंद हों ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है, तो इस डिवीजन को एंजियोस्पर्मी कहा जाता है. एग्जांपल, मैंगो ट्री, मस्टर्ड प्लांट, पीपल ट्री, बनियान ट्री, सनफ्लावर, रोज प्लांट, बोल्फिया, यूकेलिप्टस, पैडी, वीट एसेट्रा. नास्ट रेंट फ्लावरिंग प्लांट इस स्पर्मेटोफाइट को ही एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है. इन प्लांट्स का जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड या बंद होता है, और सीड्स जो होते हैं वही फ्रूट्स के अंदर बंद हो जाते हैं. स्टूडेंट होता क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक पार्ट होता है ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर ओवम होते हैं. जब मेल गैमीट उस ओवम से फर्टिलाइज होता है तभी जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो ओव्यूल मॉडिफाइड होके सीड बना लेता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बंद हो जाता है, और सीड बनने के बाद जो ओवरी होती है वो मॉडिफाइड होकर फ्रूट बन जाती है, और सीड फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड हो जाता है. तो वी कैन से दैट एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो किसी केस या फ्रूट के अंदर बंद होते हैं. स्टूडेंट, जैसे मैंगो प्लांट का जो मैंगो यहाँ दिख रहा है इसके अंदर एक सीड होता है. अब आप समझिए फ्रूट के अंदर सीड है तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे एंजियोस्पर्म्स कहलाएंगे. स्टूडेंट, डिवीजन एंजियोस्पर्म इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स and there are about 270,000 species of angiosperms are included. And student, जो 270,000 species angiosperm की जो हैं division angiosperm में रखी गई हैं, जिनमें से 220,000 dicot की species हैं और 50,000 monocot की species हैं. तो इसका मींस है कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप है स्टूडेंट. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एंजियोस्पर्म्स. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. स्टूडेंट, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग या सीड इनक्लोज्ड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट या जिनके सीड फ्रूट के अंदर होते हैं वो प्लांट्स होते हैं.
स्ट्रैन एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, और ये रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर और फ्रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। स्ट्रैन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स या ट्रीज हो सकते हैं, जैसे कोरिएंडर, धनिया का, या स्पाइनेक जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे वो हर्ब्स कहलाते हैं। थोड़े से बड़े प्लांट जैसे हिना है, रोज़ है, ये श्रब्स कहलाते हैं। ट्रीज़ जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, ये सब बड़े बड़े जो बूडी प्लांट होते हैं वो ट्री कहलाते हैं। स्ट्रैन एंजियोस्पर्म में भी बाइनियल, एनुअल, पेरिनियल। एंजियोस्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो एक सीजन या दो सीजन या बहुत कई सीजन्स का हो सकता है। स्ट्रैन दे मे बी एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कुछ एक्वेटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं वो टेरेस्ट्रियल, और जो वाटर में पाए जाते हैं वो एक्वेटिक। डियर स्टूडेंट, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म हेयर। दे बियर फ्लावर विच इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इन्हें साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फ्लावर्स के अंदर चार मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पीटल्स कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, स्टैमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो दो पार्ट से मिलके बना होता है, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर स्ट्रैंड माइक्रो पॉलन माइक्रो मदर सेल होती है, जिसमें सेल डिवीजन मियोसिस होने के बाद जो है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या यू कैन से दैट पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, मेल सेक्स सेल जिसे कहते हैं। कार्पेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसे हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलके बनी होती है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल डिवीजन से। स्ट्रैन दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं या वेजिटेटिव मेथड से भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे स्ट्रैन रोज प्लांट है, शुगर केन है, पोटैटो है, ये प्लांट्स जो होते हैं, या बहुत से फ्रूट्स प्लांट हैं, एप्पल है, रसबेरी है, गुआवा है, लेमन है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। स्ट्रैन पॉलिनेशन अकर बाई विंड, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल्स। क्वेश्चन हियर, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है स्ट्रैन, जो पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं और स्टिग्मा पे आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये पॉलिनेशन किसी पॉलिनेटर एजेंट के द्वारा हो सकता है, जो विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स हो सकते हैं। स्ट्रैन इनका जो ओव्यूल्स होता है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही सीड बनता है, और ओवरी फर्टिलाइज होने के बाद या ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। नाउ स्ट्रैन 11th कैरेक्टरिस्टिक्स हियर। इन दीज प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन अकर या टेक्स प्लेस। इन प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी और ट्रिप्लॉइड फ्यूजन जब किसी प्लांट के अंदर होता है तो वही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सिनगैमी में स्ट्रैन मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, जबकि
जो ट्रिप्लॉइड फिजन होता है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज होता है। ट्रिपल फिजन के बाद स्ट्रैंड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो सिनगैमी के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है।